इलेक्ट्रिकल टॉक में आज हम ACSR कंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ACSR कंडक्टर के बारे में ब्रीफली जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ एनाथ, स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए, ये है ACSR कंडक्टर, जहाँ पे ACSR का फुल फॉर्म होगा एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। यानी कि ये जो कंडक्टर है ये एल्यूमिनियम का है, लेकिन इसके अंदर एक स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया है। ये एक मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर है जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे करीब करीब 5 से 6 स्ट्रैंड रहता है और इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से ACSR कंडक्टर या फिर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ओवरहेड कंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड और यहाँ पे करीब करीब 6 या फिर 7 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड होता है और वहाँ पे एक स्टील कंडक्टर के चारों ओर ये सारे एल्यूमिनियम का जो स्ट्रैंड है उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल टॉक का इस एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में जानने के लिए आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।